हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ तिक्षण। तो आज हम अप्लाई करेंगे थोड़े से ट्रिक्स एंड टिप्स जो अपने पहली वाली वीडियो में बताए थे। चलो आगे चलते हैं, रीडिंग पैसेज 5 पे आज। ओके, फर्स्टली मैंने आपको बताया था कि आपने हेडिंग रीड करनी है और उसके बाद आपने पहले कीवर्ड्स मार्क करने हैं क्वेश्चंस देखकर। और पहले जो 1 to 6 क्वेश्चन है उसमें ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन टाइप के क्वेश्चंस हैं, और 7 to 13 वाले क्वेश्चंस में नो मोर देन 2 वर्ड्स ब्लैंक्स हैं। ओके, सो पहले आपने उनके कीवर्ड्स मार्क करने हैं क्योंकि उससे आपको इजी हो जाएगा, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है उससे। फर्स्ट नोबल, द फर्स्ट नोबल प्राइज वॉज अवार्डेड इन 1985। एक डेट है, डेट को अपने मार्क कर देना है, एक वो कीवर्ड बन जाता है और फर्स्ट नोबल आल्सो एक कीवर्ड बन जाता है। नोबल्स फादर वॉन्टेड हिज सन टू हैव बेटर एजुकेशन। नोबल्स फादर जो है वो बेटर एजुकेशन चाहता था अपने लड़के से, बट जो उसने की, यहाँ पे एक कंपैरिजन किया जा रहा है। नोबल वाज अ अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन। नोबल बर्थ वोन स्टर्नर वाज सिलेक्टेड बाय नोबल। नोबल एक बंदे का नाम है हिमसेल्फ फॉर द फर्स्ट पीस प्राइज। बंदे के नाम को अपने जरूर एक हाईलाइट रख लेना है क्योंकि वो जहाँ भी सर्च करेंगे उसका आंसर अपने को वहीं डायरेक्ट मिल जाएगा। द नोबल फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ नोबल। नोबल सोशल इन्वॉल्वमेंट वाज अनकॉमन। अनकॉमन मीन्स रेयर, एबनॉर्मल इन 1800। नोबल वाज अवार्डेड इन 1985। सिंस 1901 द नोबल प्राइज वाज बीन ऑनरिंग मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द कॉर्नर ऑफ द ग्लोब एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन फिजिक, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड एट्सेट्रा। द फाउंडेशन ऑफ द प्राइज वर लेड इन 1985 एंड एडवर्ड रॉट हिज लास्ट विल लीविंग मच ऑफ हिज वेल्थ ऑफ टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नोबल प्राइज। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा 1901 से स्टार्ट हुए थे नोबल प्राइज मैन को और वुमेन को मिलने पे फ्रॉम ऑल द कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि अवार्ड हुआ था 1985 में, जो कि गलत है। इसका आंसर फोल्स होगा। अगर ये लिखते कि हाँ इस्टेब्लिश हुआ था तो इसका ट्रू होना था, लेकिन उन्होंने लिखा अवार्डेड। ओके, नाउ सेकंड, नोबल्स फादर वांटेड हिज सन टू हैव बेटर एजुकेशन देन ही हैड। अल्फर्ड होरिजन हिज फादर सेंट हिम अब्रॉड फॉर फ्यूचर ट्रेनिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग। मतलब उसके पापा ने उसको भेज दिया था बाहर पढ़ने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग में, और ये बोल रहे हैं कि उसको, उसके पापा उसको ज़्यादा बेटर एजुकेशन देना चाहते थे, बट इसलिए। और कंपैरिजन में ज़्यादातर मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ होती है, उसका आंसर नॉट गिवन आएगा। यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं किया गया है। ओके, नोबल वाज एन अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन। सो मूव करते हैं, स्किलफुल एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि वो अनसक्सेसफुल था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल नहीं था, वो स्किलफुल एंटरप्रेन्योर था। सो इसका आंसर फॉल्स होगा। बर्थ वन वाज सिलेक्टेड बाय नोबल हिमसेल्फ फॉर द फर्स्ट पीस प्राइज। नेक्स्ट वर्क, एंड देखो यार यहाँ पे नाम दिया हुआ है बर्थ वन स्टर्नर का, जहाँ आपको नाम मिलता है उसका आंसर वहीं पे होगा, तो आपने सीधा इसका नाम सर्च करना है। नाम क्योंकि ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। बर्थ वन स्टर्नर रिमेन फ्रेंड्स एंड कैप राइटिंग लेटर्स टू डिकेड्स ओवर द ईयर्स। बर्थ वन स्टर्नर बिकम इंक्रीजिंग लीडर ऑफ द रेस। बुक शी रॉट अ बुक, नो डाउट हिज इन्फ्लुएंस विल सेवरल ईयर्स डेथ ऑफ एल्फ्रेड। सेवरल ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ एल्फर्ड नोबल द पार्लियामेंट डिसाइडेड टू अवार्ड 1905 नोबल पीस प्राइज टू बर्थ वन स्टर्नर। बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि बर्थ वन स्टर्नर वाज सिलेक्टेड बाय नोबल हिमसेल्फ फॉर द फर्स्ट पीस प्राइज, तो इसका आंसर फोल्स होगा। उन्होंने बोला नोबल से, बाय नोबल, नोबल से नहीं हुए थे क्योंकि नोबल वहाँ पे मर चुका था। के द नाउ द नोबल फंक्शन वाज एस्टेब्लिश आफ्टर डेथ ऑफ नोबल। पता ही है, जब वो मर गया था तभी उसको मिला था, इसका आंसर ट्रू होगा। नोबल सोशल इन्वॉल्वमेंट वाज अनकॉमन इन 1800। अनकॉमन मीन्स रेयर। तो अब यहाँ पे सोशल इन्वॉल्वमेंट का वर्ड ढूंढते हैं, सोशल या कुछ भी जो लिखा होगा। मूव, नोबल वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन सोशल एंड पीस रिलेटेड इशूज एंड हेल्ड वट वर कंसिडर इन रेडिकल व्यूज इन हिज एरा। रेडिकल मीन्स जो पुराने ख्याल होते हैं उसके एरा में पुराने ख्याल माने जाते थे, लेकिन तब वो सोशल और पीस रिलेटेड इशूज में इंटरेस्ट रखता था। तो उन्होंने बोला वाज अनकॉमन, अनकॉमन ही था, रेयर था, क्योंकि वहाँ पे पुराने ख्याल माने जाते थे, तो इसका आंसर ट्रू होगा।
हम चलते हैं ब्लैंक्स वाले सेक्शन पे। एजुकेशन, हैविंग अक्यूमुलेटेड अ ग्रेट फॉर्चून इन हिज बिजनेस, नोबल फादर डेटरमाइंड टू गिव हिज सन द बेस्ट एजुकेशन एंड सेंट हिम ब्रॉड टू बी ट्रेंड इन ओके। उन्होंने अब्रॉड भेजा अपने बेटे को ट्रेंड होने के लिए। किसमें? उसका आंसर अपने पैराग्राफ में ढूंढना है। ड्यूरिंग नोबल स्टडीज इन पेरिस ही वर्क इन अ प्राइवेट लेबोरेटरी व्हेन ही केम इन कॉन्टेक्ट विद यंग इंजीनियर। यहाँ पे बंदे का नाम आएगा क्योंकि उन्होंने यंग इंजीनियर एक बंदे को स्पेसिफाई किया है। एंड हिज इंटेंशन नाइट्रोग्लाइसिन अ मोर पावरफुल एक्सप्लोजिव देन कंपैरिजन में, कहीं ना कहीं पैराग्राफ में यूज़ किया जाएगा इसको। बेनिफिट्स इन कंस्ट्रक्शन वर्क, नोबल बिकम रियली इंटरेस्टेड इन हिज न्यू एक्सप्लोसिव एंड एक्सपेरिमेंटेड ऑन इट, बट नाइट्रोग्लिसरीन वाज टू डेंजरस एंड वाज बैंड फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद इन द सिटी ऑफ, सो नोबल हैड टू मूव हिज एक्सपेरिमेंट्स टू द लेक टू मेक नाइट्रोग्लिसरीन इजली यूजेबल। नोबल इन्वेंटेड डायनामाइट अलॉन्ग विद किसी के साथ, वाइल इन द मीन टाइम उसी टाइम पे एक और चीज़ पॉपुलर हो गई एंड ऑफ ऑल ऑफ विच ड्रामेटिकली लोअर्ड द डैश ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क। चलो अब हम इसके आंसर सर्च करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उसकी एजुकेशन के बारे में बताया था, जो अपन ने पहले सेकंड पैराग्राफ में रीड करी थी उसकी एजुकेशन के बारे में, सेकंड एंड थर्ड में। तो उसके पापा ने उसको अब्रोड भेजा था, मैंने आपको पहले पीछे पढ़ के बताया था, तो आप वहीं पे वापस चलते हैं। इन ऑर्डर टू हिज फादर सेंट इन अब्रोड फॉर ट्रेनिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो उसका आंसर केमिकल इंजीनियरिंग होगा। तो ड्यूरिंग नॉवल स्टडी इन पैरिस ही वर्क इन प्राइवेट लेबोरेटरी एंड ही केम इन कॉन्टेक्ट विद यंग, मैंने आपको बताया था यहाँ पे किसी का नाम आएगा। देयर ही मेट द यंग इटालियन केमिस्ट एस्किनो सबरेरो एंड हिज इन्वेंशन नाइट्रोग्लाइसिन अ मोर फॉर एक्सप्लोसिव देन हैज इन्वेंटेड नाइट्रोग्लाइसिन बट डेंजरस टू बी प्रैक्टिकली यूज ऑल्सो इट्स एक्सप्लोसिव पावरली ग्रेटली एक्सीड दैट ऑफ गन पाउडर। देन दैट बेनिफिट्स ऑफ वर्क कंस्ट्रक्शन, नोबल बिकम वेरी इंटरेस्टेड इन न्यू एक्सप्लोसिव एंड एक्सपेरिमेंट ऑन इट बट नाइट्रोजन वाज टू डेंजरस वाज बैन फॉर एक्सपेरिमेंट विद इन द सिटी ऑफ ओके। दे फॉरबेड फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन विद नाइट्रोजन विद इन द स्टॉकहोम सिटी लिमिट्स एंड मूव टू एक्सपेरिमेंट ऑन द वाज एबल टू स्टार्ट। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्होंने विद इन द सिटी ऑफ स्टॉक होम लिमिट्स, तो इसका आंसर स्टॉक होम होगा। उन्होंने सिटी के बारे में पूछा है। सो नोबल मूव टू इज लेक टू इज यूजली अलॉन्ग विद ओके टू मेक द हैंडलिंग एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट। ही सून फाउंड द मिक्सिंग नाइट्रोजन विद वर टर्न टू द लिक्विड इन टू द पेस्ट एंड शार्प रोड साइड एंड फाउंड ड्रिलिंग होल्स इन 1867 टू बी एबल टू डिमिनेट द डायनाटाइट रोड। ही आल्सो इन्वेंटेड डेटोनेटर ब्लास्टिंग कैप्स अलॉन्ग विद डेटोनेटर। वाइल इन द मीन टाइम डैश बिकम पॉपुलर, दीज इन्वेंशंस वर मेड एट द सेम टाइम एज पेन्यूमेटिक ड्रिल। पेन्यूमेटिक ड्रिल, सॉरी, ऑल ऑफ इज ड्रामेटिकली लोअर द डैश ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क। टुगेदर दीज इन्वेंशन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ब्लास्टिंग ड्रिलिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, कॉस्ट उसकी कम कर दी थी। तो यहाँ देखा ये आपने, जैसे अपने ट्रिक्स थोड़े से यूज़ किए थे इसको कंप्लीट करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप हेडिंग्स और ब्लैंक्स को दोबारा से करेंगे ट्रिक्स की यूज़ करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।